जय भीम पाजीगर, आप सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि आज इस मंच में सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे और शिक्षित साथी बैठे हुए हैं और सारी बातें जो हमें जरूरत है उन बातों को उन्होंने बोला और समझाने का प्रयास किया और रास्ता भी दिखाया। लेकिन हमारी समाज मध्य प्रदेश में ऐसी है जो अशिक्षित है, पढ़ी लिखी है नहीं, पर मैं इतना यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो सहारनपुर में आज महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, भाइयों के साथ अत्याचार हुआ और बूढ़े माता पिता के साथ अत्याचार हुआ, उस लड़ाई में मैं एक समाज के होने के नाते समाज के खातिर लड़ने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकेगा तो हम मध्य प्रदेश में जितनी महिलाएं हम अगर जुड़ सकेंगे, 8,000 हो चाहे 10,000 हो, हम लड़ने का काम करेंगे और अपने समाज का न्याय दिलाएंगे साथियों। तो यही हमारा लक्ष्य रहता है और आज हम हर गांव में जाते हैं और यही बातें अपनी समाज को बताते हैं कि एकत्रित हो, जब तक संगठन नहीं बनाओगे तो कोई भी लड़ाई हो आप जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं उन माताओं के लिए बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ जिन्होंने इतना अत्याचार सहा और ऐसे दबंगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका कोई हद ना हो। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ना हमारे पास कोई कानून है ना तो कोई आर्थिक व्यवस्था है, हम सब इतने कमजोर हैं। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है जो सब लोगों ने कहा कि जनसंख्या, हकीकत में हमारे पास जनसंख्या तो बहुत है लेकिन इस लड़ाई में निकलने के लिए और अपने समाज के बारे में सोचने के लिए बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने समाज के खातिर लड़ने और मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। साथियों जैसे आज चंद्रशेखर और उन जैसे साथियों का आज जेल में उन्हें कैद करके रखा गया है, तो हम अगर चाहें तो ऐसे चंद्रशेखर और उनके साथियों जैसे लाखों तैयार कर सकते हैं और हम खुद तैयार हो सकते हैं और अपने साथियों को उन कानूनों से छुड़ा सकते हैं और जो अत्याचार हुआ है उसका न्याय दिला सकते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जितने भी साथी बैठे हैं तो खुद जैसे वो चंद्रशेखर ने लड़ने की कोशिश की, अपने समाज के लिए न्याय दिलाने की कोशिश की, उसी तरह हमें भी निकलना होगा और लड़ना होगा, तभी जाके हमारा अधिकार मिलेगा और तभी हमें सब सम्मान मिलेगा। क्योंकि आज हमारे समाज को सम्मान ही नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ है सम्मान नहीं है, इसलिए अत्याचार हो रहा है। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान की जरूरत है, तो हमें सम्मान लेना है तो हमें इन अत्याचारों से लड़ना होगा और हमें इन जैसे महापुरुषों जैसे बनना होगा, तब जाके हमें अपना अधिकार मिलेगा। इसी के साथ जय भीम।